सीहोर के बख्तरा कस्बे में आयोजित श्री सीताराम महायज्ञ में शामिल होने आए सीएम शिवराज सिंह ने समस्त जगत के मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना की है। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे साधु संतों ऋषि मुनियों ने बताया है कि जिंदगी परमात्मा के प्राप्ति के लिए है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने बख्तरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से शानदार कम्युनिटी हॉल बनाने की घोषणा भी की है। आज तो चारों तरफ आनंद की वर्षा है, हम सब कथा वार्ता सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे और मैंने भी अपने जीवन को यहाँ आपके बीच आके धन्य किया है, संतों के दर्शन करके धन्य किया है। लेकिन आज बख्तरा वालों ने मुझे कह दिया कुछ नहीं मांगते, आज तो दर्शन करो, लेकिन मैं तो कुछ दे के जाऊंगा। इतना बढ़िया पवित्र यज्ञ हो रहा है, जनता उमड़ रही है और ये बख्तरा केंद्र है इस क्षेत्र का, और इसलिए यहाँ 1 करोड़ रुपए की लागत से शानदार कम्युनिटी भवन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होने के लिए एयरपोर्ट रायपुर से विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मिंट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में 5वें नंबर पर संबोधित करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 में यूपीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 300 यूपीए की सीट आएगी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर के मामले की जांच अब एनआईए करेगी, जिससे एचयूटी के सदस्यों के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का भी पता चल सकेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और कोई भी व्यक्ति या संस्था अशांति फैलाने की कोशिश करेगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे, इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। ईडी कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को जेल भेज दिया है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने त्रिलोक सिंह ढिल्लन को पिछले कई दिनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। गुरुवार को ईडी कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह की विशेष अदालत में करीब 1 घंटे तक आरोपियों की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ढिल्लन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्ग विशेष के मोहल्ले में महिलाओं को बांटे जा रहे पर्चे को लेकर प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने पूरे मामले को षड्यंत्र करार दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से आज मुस्लिम समाज की कई कुरूतियां देश और दुनिया के सामने हैं, तो वहीं भारत में द कश्मीर फाइल और द केरला फाइल जैसे मुद्दे भी अभी गर्मा रहे हैं और जिस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इस तरह पर्चे बांटे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। निश्चित रूप से एक उचित षड्यंत्र तैयार कर रहे, ये बात ये तब उठा रहे हैं जब हम लाखों प्रमाणों के साथ इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। केरल फाइल हो, कश्मीर फाइल हो, और उसके भी पहले विगत 25 वर्षों से मय तथ्य प्रमाण के, तभी तो धर्मांतरण कानून इतनी सख्ती से बनाना पड़ा। तो ये तो देखा देखी नकल कर रहे हैं और अपने षड्यंत्रों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब तक आपने पुरुषों को ही वाहन चोरी करते देखा होगा, लेकिन उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले जीडीसी कॉलेज में सीए के एग्जाम के दौरान एक गाड़ी चोरी हो गई थी।
जिसकी तलाश में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो फुटेज देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस फुटेज में गाड़ी चोरी करने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां फूड इंस्पेक्टर साहब का महंगा मोबाइल जब डैम में गिरा तो उन्होंने 3 दिनों तक पंप लगाकर पानी खाली करवा दिया, जिसके बाद डैम से उनका मोबाइल निकला। मोबाइल को डैम से निकालने के लिए फूड इंस्पेक्टर साहब ने पंप परलकोट डैम का बेशकीमती 21 लाख लीटर से ज्यादा पानी बहा दिया। फूड इंस्पेक्टर की इस करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड टाइगर रिजर्व के इचरादी गांव में वन विभाग की जमीन से बेदखली की कार्रवाई करने पहुंचे वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया हमला। अतिक्रमणकारियों ने डंडा और गुलेल से वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में नौ तपा की शुरुआत कमजोर रही। पिछले दिन पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। आंधी बारिश के चलते कई जगह बिजली गुल होने और पेड़ गिरने की सूचना है। दिन भर मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। मौजूदा सिस्टम का असर कम होने के कारण बारिश के आसार भी कम है, लेकिन 29 मई से एक सिस्टम फिर एक्टिव हो रहा है, इससे जून की शुरुआत भी आंधी बारिश से ही होगी।